तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एनिमे असेंबली। आई एम कार्तिक नाम दिलजीत। और आज हम दोनों रिव्यू करने वाले हैं दो गिबली स्टूडियो की मूवी को, माय नेबर टोटोरो एंड किकी डिलीवरी सर्विस। एंड नेटफ्लिक्स ने दोनों ही मूवीज़ का हिंदी डब भी बहुत रिसेंटली निकाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोनों की हिंदी डबिंग की बात करते हैं। दोनों ही मूवीज़ की हिंदी डबिंग काफ़ी ज़्यादा डिसेंट तरीके से की गई हैं। वॉइस एक्टर्स की वॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैच हो रही है करेक्टर्स के साथ। एंड अगर आप डायलॉग चेंजेस की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि कोई मेजर चेंजेस हैं। बहुत ही ज़्यादा हल्के फुल्के वेरिएशन हैं, जिससे ना ही सीन का मीनिंग चेंज होता है और ना ही स्टोरी का एसेंस चेंज होता है। तो इस वजह से हम इस हिंदी डबिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छी हिंदी डबिंग बोल सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन दोनों मूवी को हिंदी में ही देखें। एंड जिसने देख लिया वो एक बार फिर से ट्राई कर सकता है हिंदी में देखने का। एंड बिकॉज़ अब ये मूवी हिंदी में अवेलेबल हैं, तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आने में देख सकते हैं, इन दोनों मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। एंड दोनों ही मूवी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हैं। माय नेबर टोटोरो के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मूवी है। टोटोरो के करेक्टर को तो आप गिबली स्टूडियो का सिम्बॉलिक भी मान सकते हैं। इन दोनों ही मूवी अयाओ मियाज़ाकी के द्वारा डायरेक्टेड हैं, जो कि गिबली स्टूडियो के को फाउंडर भी हैं। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा जाना माना नाम है उनका, तो आपने भी सुना ही होगा। बाकी माय नेबर टोटोरो का अगर मैं रिव्यू करना चाहूँ, काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड मूवी है, एक जगह पे सीरियस भी होती है। अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूँ तो बेसिकली एक फैमिली एक विलेज में शिफ्ट होती है। उसमें दो बच्चियाँ होती हैं और वो अपने डैड के साथ रहती हैं। बेसिकली उनकी मॉम हॉस्पिटलाइज होती हैं। किस तरीके से वो डिस्कवर करती हैं कि उनका हाउस हॉन्टेड है एंड कैसे कैसे आगे चीज़ें बढ़ती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा औसम है देखने में। एंड दोनों बहनों का जो बचपना दिखाया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सासुमी के करेक्टर को थोड़ा बहुत मैच्योर भी दिखाया गया, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर दिखाया गया एक तरह से। एंड एक तरह से होता भी है जब आपकी फैमिली में आपकी मतलब मदर हॉस्पिटलाइज हो एंड आप घर में अकेले हो और आपके पास एक छोटी बहन हो, तो आपके अंदर मैच्योरिटी आ ही जाती है। तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा जगह पे इंजॉयबल लगती है मूवी। एक जगह पे सीरियस भी होती है, आप करेक्टर्स के साथ इंजॉय करते हो। एंड ये मूवी इतनी ज़्यादा स्मूथली आगे बढ़ती है कि आप किसी भी जगह पे बोर नहीं होते हो, और कब वो 1.5 घंटा निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है आपको पता चलता है कि आप सभी करेक्टर्स के लिए केयर करते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद ही डिस्कवर करें कि इस मूवी में क्या होता है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इसमें मैं आपको कोई भी स्पॉइलर दूँ। आप सभी अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करिएगा इस मूवी को। तो किकी डिलीवरी सर्विस के बारे में आपको दिलजीत बताएंगे। तो किकी डिलीवरी सर्विस 1989 में रिलीज़ हुई मूवी है, जिसमें विचेस के ऊपर फोकस किया गया है। और जो मेन कैरेक्टर है विचेस की फैमिली से बिलोंग करती है, जो 13 ईयर्स की होने के बाद अपनी जर्नी पर निकल जाती है विचेस की ट्रेनिंग के लिए। तो इस मूवी में दिखाया गया है कि आप जब किसी नए शहर जाते हो तो आप गिव हिम अ हैंड सर, फूल बो रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। तो इस मूवी में दिखाया गया है कि आप जब किसी नए शहर जाते हो तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे आप न्यू शहर में नए फ्रेंड्स बनाते हैं, और कभी कुछ कुछ सिचुएशंस आते हैं जिसमें आप अपनी काबिलियत पर शक करने लग जाते हो और बाकियों से आप अपने आप को नीचा समझने लगते हो। पर आपको जो आप काम कर रहे हो उससे थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए और बाकी कामों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आप अपने मेन काम पर वापस से 100% दे। तो फाइनली ओताकुस की काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, यूट्यूबर्स की काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमें हिंदी डब मिल चुका है। एनिमे की हिंदी डबिंग लगभग स्टार्ट हो चुकी है। अभी स्पिरिटेड अवे का भी हिंदी डब वर्जन आने वाला है। तो काफ़ी सारे लोग कम्युनिटी में ये भी सोच रहे हैं कि हिंदी डब से क्या मूवी की मतलब मीनिंग ना चेंज हो जाए या मूवी का एसेंस ख़त्म हो जाए, मतलब थोड़ी बहुत वरीज हैं हिंदी डब के बारे में। तो फिर भी अगर मैं बताना चाहूँ, एनिमे को अगर इंडिया में ग्रो कराना है तो हिंदी डब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप अपनी फैमिली को एनिमे दिखाना चाहते हो तो आप इंग्लिश में तो ज़रूर नहीं दिखाओगे, और जैपनीज़ की तो बात ही छोड़ दो। तो हिंदी डब सबसे सही तरीका है, जिस तरीके से आप पूरी फैमिली को एनिमे दिखा सकते हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी पूरी फैमिली के साथ एनिमे देखना है तो एनिमे अगर हिंदी में नहीं होगा तो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाओगे। एंड बाकी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बाकी सारे पॉइंट्स आपके सामने दिलजीत रखेंगे। हिंदी डबिंग इंडिया में इंपॉर्टेंट है, इंडिया में एनिमे को पॉपुलर कराने के लिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है हिंदी में मूवीज़ शोज़ देखने का, तो समझने के लिए उनके लिए हिंदी डब्ड एनिमे बहुत आसान रहेगा। वो समझ पाएंगे कि एनिमे की भी स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट ये सब कितना अच्छे तरह से किया जाता है, और एनिमे कार्टून नहीं होता, बहुत अलग होता है, वो भी एज वाइज देखा जाता है। एनिमे को जो कुछ लोग कार्टून समझते हैं उनको पता चल जाए कि एनिमे और कार्टून में डिफरेंस होता है। तो ये सब इंडिया में समझाने के लिए इंडिया में हिंदी डब एनिमे लाना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जब हिंदी डब फेमस होने लग जाएगा और लोगों को एनिमे पसंद आने लग जाएगा, उसके बाद सब अपने मर्ज़ी से देख सकते हैं। जिसको हिंदी डब में कम्फर्टेबल हो हिंदी डब देख सकते हो, और
हम मिलेंगे आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में. टिल देन सायोनारा माता ने. Na 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 na